तो दोस्तों, पहले तो आप इस बाइक की कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए, फिर उसके बाद हम रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रिव्यू की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की हेडलाइट की। दोस्तों जी हाँ, इस बाइक की हेडलाइट ओवरऑल आगे से लुक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है यह बाइक। और इस बाइक की हेडलाइट प्रोजेक्टर LED हेडलाइट है दोस्तों। जी हाँ, इस बाइक की हेडलाइट LED है। हालांकि आपको इस बाइक की इंडिकेटर्स में LED नहीं है, प्रोवाइड नहीं करती दोस्तों, पर आप हेडलाइट आपको LED ही प्रोवाइड करती है रॉयल इनफील्ड, जो आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी देती है नाइट में। और अब बात करते हैं हम इस बाइक के फ्रंट डिस्क की। जो वेंटिलेटेड डिस्क डबल पिस्टन कैलिबर है और इसकी फ्रंट डिस्क की साइज़ 280mm है दोस्तों, 280mm। और इसका व्हील साइज़ भी दोस्तों अलाउ व्हील्स है 19 इंच का। इसके टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, टायर की ग्रिप भी बहुत अच्छी है दोस्तों। और आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इस बाइक में। और इसके रियल ब्रेक में भी वेंटिलेटेड डिस्क है, सिंगल पिस्टन कैलिबर। और इसकी बैक रियल डिस्क साइज़ है 240mm। जो कि बहुत अच्छी डिस्क है दोस्तों। इस बाइक की फ्यूल टैंक भी बहुत अच्छी कैपेसिटी है दोस्तों, 20 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है दोस्तों फ्यूल की। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है इस कलर में, वाइट और ब्लैक में। और इसकी सीट भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, कंफर्टेबल है राइडर के लिए भी और प्लेनर के लिए भी। और अब बात करते हैं हम इस बाइक की इंजन की। जी दोस्तों, इस बाइक का इंजन हमें 346 cc का इसका इंजन मिलता है, 1 सिलेंडर। और इसकी मैक्सिमम पावर 19.8 bhp और 5250 rpm है। और मैक्सिमम टॉर्क दोस्तों इसका 28 Nm एंड 4000 rpm है।
एयर कूल्ड इंजन मिलता है हमको इस बाइक में दोस्तों, और इस बाइक में हमको सेल्फ स्टार्ट और किक दोनों अवेलेबल है। इसकी बैक हेडलाइट भी हमें एलईडी ही मिलती है दोस्तों, इंडिकेटर्स हमें एलईडी में ही मिलते हैं, बट इसकी फ्रंट और रियर हेडलाइट हमको एलईडी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं बैक की हेडलाइट भी हमें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस बाइक को दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसका एग्जॉस्ट नोट का कलर भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत शाइनी लुक दे रहा है मेट ब्लैक कलर में। और इसके शॉक अब्जर्वर भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जब हम राइड करते तभी हमको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होती। बहुत ही स्मूथ शॉक अब्जर्वर है इस बाइक के, और इसको कोई भी चला सकता है। अगर आपकी हाइट 5.5 है फिर भी आप उस बाइक को आराम के साथ चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लुक देते हम ऊपर से ये बाइक कैसे दिखती है। और वाइट और ब्लैक इस कलर में तो बाइक बहुत ही शाइनी लुक देती है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखती है ये बाइक। ये इसका हैंडल बार है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है और हमें बहुत ही रॉयल फील देता है दोस्तों। और इसके हैंडल बार में हमें पासिंग लाइट, अपर डिपर स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न और क्लच और क्लच मिलता है और मिरर। इधर आपको रॉयल एनफील्ड का नाम मिलता है और आपका यहाँ डिजिटल कंसोल है, जो आपको पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी आपको इस बाइक में मिलती है। यह आपको पावर ऑन ऑफ स्विच बटन और सेल्फ स्टार्ट। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये बाइक ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है, पावर में भी बहुत अच्छी है, पिकअप में भी बहुत अच्छी है, राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब कि ये बाइक ऑलराउंडर है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टूर पे में जाना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम के साथ जा सकते, कोई आपको पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से ये बाइक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी बाइक है दोस्तों। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एड्रेस दे दूँगा इस शोरूम का, आप जाइए और वहाँ विजिट करिए और भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस।